मैं पाकिस्तान में 19 साल रहा जी। ये समझो का पहले ये चार गांव पाकिस्तान का कब्जे में था। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉर्निंग में लेह से निकले हैं हंडर वैली की तरफ, जहाँ पर हम लोग पहले जो है कुर्दुंगला पास में रुकेंगे, जो कि हम पहुँच ही गए हैं कुर्दुंगला पास में। कुर्दुंगला पास जो है वो सेकंड हाईएस्ट पास है, मोटरेबल रोड है, जो कि करीबन 18,000 फीट्स के ऊपर है। इसके बाद हम लोग तुरतुक विलेज जाएंगे, जो कि पहले पाकिस्तान के पास था और 1971 की वॉर में जो है वो पाकिस्तान से इंडिया ने ले लिया था। उस समय चार विलेजेस गए थे। और तुरतुक से फिर हम लोग जाएंगे थांग विलेज, जो कि वहाँ से 13 किलोमीटर्स है। और थांग विलेज जो है वो बिल्कुल अपने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, और वहाँ पर काफ़ी स्टोरीज़ हैं, जहाँ पे कि कुछ लोग उस गांव के इधर रह गए हैं, कुछ उधर हैं, और वो परमानेंटली वहाँ के हो गए, पेरेंट्स वहाँ हैं और बच्चे यहाँ पर हैं, या वाइफ वहाँ पर हैं, हस्बैंड यहाँ पर है, ऐसे हुआ है। तो ये हमने यूट्यूब पे देखा था, तो हमने सोचा कि वहाँ ज़रूर होके आना चाहिए। रास्ते में हम लोग अभी जैम में फंस गए हैं, यहाँ पर आगे रोड रिपेयर चल रही है, अभी तक हम लोग हंडर में नहीं पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग नुब्रा वैली इनफैक्ट में हम लोग हैं, और ये सब नुब्रा में फॉल करते हैं। बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, बीच बीच में थोड़ा कुछ पैचेज ऐसे आते हैं ख़राब, जहाँ पर कि रिपेयर चल रही है या थोड़े नहीं है। और ये एक बहुत ही मतलब मेकशिफ्ट विलेज है, जो पुल है जो कि शायद आर्मी ने बनाया हुआ है। और ये देखिए पूरा रेत ही है, यहाँ रेत के पहाड़ हैं, और इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं तुरतुक विलेज में, और कार को पार करके हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे गांव है। थोड़ा सा गांव घूमने के बाद हम लोग जो है आगे निकलेंगे, क्योंकि शाम को हमें वापस टाइम हुआ तो ले, नहीं तो हंडर में रुकेंगे रात को हम। ये विलेज पहले जो है पाकिस्तान के पास था, और ये अभी हम लोग जो है थांग विलेज पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर थांग विलेज में जो है ये नोटिस लिखा हुआ है कि वी आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ये लास्ट विलेज है, इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग थांग विलेज में आ गए हैं, छोटा सा विलेज है ये, देखते हैं हमें कोई यहाँ पर मिल पाया तो हम उसकी स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे, कि कुछ हमें वो बता पाया तो। बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आती है यहाँ पे आके, नई नई रोड बनी हुई है यहाँ पे, लगता है कि जैसे इसी साल या थोड़ी पहले ही यहाँ पे जो है विजिटर्स का आना स्टार्ट हुआ हो, या परमिट किया गया हो। क्योंकि जब मैं 2 साल पहले आया था तो यहाँ परमिट होता था आने के लिए, तो रोड भी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आया था। देखिए ये बैक साइड में जो है पाकिस्तान है, वो पीछे जो रिवर है, रिवर के परली तरफ जो है पाकिस्तान है। पहले के पैदाइश है, मैं पाकिस्तान में 19 साल रहा जी। इंडिया में आकर कौन साल हो गया मेरे को, तो 70 साल है। ये सबसे पहले मैं हमारे भाइयों आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतना खूबसूरत शहर में पैदा हो करके, वहाँ शहर छोड़ करके, इतने फ्लैट का खर्चा करके, इतने गाड़ी का खर्चा करके, ये 71 में अपने इंडिया का बहादुर जवानों ने पाकिस्तान से आज़ाद करने वाला इंडिया का लाल गाँव थांग गाँव में, इतने छोटे इलाके में, पहाड़ी इलाके में यहाँ तजीरे पाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 71 का पहले ये चार गाँव पाकिस्तान का कब्जे में था। मैं 19 साल पाकिस्तान का पैदाइश हूँ जी, 19 साल पाकिस्तान में रहा, इंडिया में आकर 51 साल हो गया मेरे को, टोटल 70 साल। ये बोर्डन गाँव आपको जानता होगा,
बोधन गाँव अपने इंडिया का था, बोधन गाँव से इस तरफ आकर के लेकर के ब्रिज जी वही बाउंड्री था जी, ब्रिज नहीं था पहले 71 के पहले, यही नदी फेंसिंग था इंडिया पाकिस्तान। ब्रिज जो है अपने इंडिया ने बाद में बनाया हुआ है, जो ब्रिज को उस तरफ बोधन का तरफ रोड था, पहाड़ था, बोधन गाँव जो है अपने इंडिया का बोर्ड था जी। अब ब्रिज में उस तरफ निकला तो रोड में पहुंच गया तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ सब में पाकिस्तान का बोर्ड रहता था, तो यही नदी फेंसिंग था जी, ब्रिज नहीं था इंडिया पाकिस्तान। अब 200-300 गज नीचे आने से एक मैदान नहीं जी, वहाँ एक ब्रिज रोड के इस तरफ आप गाड़ी में देखते आया होगा, इस तरफ चुलुंग का बोर्ड का लंबा सा गाँव है जी, पहाड़ पहाड़ में, वहाँ भी पाकिस्तान के कब्जे में था जी, उनका बोर्ड रहता था। फिर 71 में लड़ाई हो गया जी, पहले बांग्लादेश से शुरू हो गई, बांग्लादेश में इंडिया पाकिस्तान बहुत लड़ा, फिर अपने इंडिया का जवानों ने बांग्लादेश में जितना पाकिस्तान के पास था वही चीज आज़ाद कर लिया। 96,000 जो है पाकिस्तान का फौज कैदी बन गया था, पकड़ा था, फिर छोटा मुल्क था जी, कमजोर हो गया। फिर 10 दिसंबर को यहाँ भी जंग छिड़ गया जी, इंडिया पाकिस्तान चुलूंगा और बोधन लड़ाई हो रहा बोलकर हमारा थंग गाँव में सुनता आया जी, हमारे से 22 किलोमीटर आगे है जी, दूर है, हमको लड़ाई का आवाज नहीं सुना है, सिर्फ 2 दिन पहले चलिए तीसरे दिन से पाकिस्तान का बोर्ड बनना शुरू हो गया जी, अपना इंडिया का बोर्ड पीछे आते आते सबसे पहले चुलूंग का कब्जा कर लिया, इसके बाद तोस्तो दो, इसके बाद टैक्सी, आप गेट में रुकता है उसको बताइए टैक्सी 3, इसके बाद थंग 4, ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में। फिर पहले बांग्लादेश आज़ाद किया जी, फिर 10 दिसंबर को जहाँ छिड़ गया, 17 दिसंबर को ये इंडिया का हो गई और पाकिस्तान को, फिर हमारा वो फैन बोर्ड आए जी, यहाँ ये गाँव एक ही था जी पाकिस्तान का ज़माने में, हम लोगों को उधर ज़मीन था, इन लोगों का इधर ज़मीन था जी, हमारा थंग गाँव का पूरा आधा आदमी वहाँ बसा था जी, आधा आदमी यहाँ बसा था, किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का भाई वहाँ रहा था कि आधा आदमी यहाँ रहा। फिर हमारे 2 बजे साफ लेकर आया, फोन लेकर यहाँ पहुँच गए सुबह 10 बजे, एक हमारा लड़ा सुपोर्ट का इंचार्ज साहब था, वो मेजर था एक जम्मू कश्मीर सिंह साहब था, इस तरफ लड़ा सुपोर्ट था, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट, फिर उन लोगों को रिक्वेस्ट किया मेहरबानी साहब वो ही कहूँ अपना करो इंडिया में लाओ, क्योंकि हमारे माँ बाप से रिश्तेदार से मिलाओ, हमारा आधा आदमी वहाँ फंसा हुआ, थोड़ा और बताना था लाहौर तक बताना था, हाँ जी थोड़ा आगे तक बताना था कि वहाँ पे रिश्तेदार वही गाँव अपना इंडिया का करो बोल रहे, फिर क्या करेगा तो अभी जाते हो अपने गाँव में दोबारा नहीं कहा जाए, फिर अभी ठीक से बैठ हो गया, तो ये अच्छा है कि वो पाकिस्तान अच्छा था, आपने दोनों देखा इंडिया है ना, ये अच्छा है इंडिया, नदी है जी पाकिस्तान, नहर का पानी है पाकिस्तान में, क्या है जी कुछ ही नहीं था, सिविलियन को कोई सहूलियत नहीं था आजकल, तो आपका रिश्तेदार अभी भी वहाँ पर है, हमारा तो मैं 9 साल में शादी किया था जी, माँ बाप ने, मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, मैं वही गाँव का रहने वाला था कि आप लाश में सुबह सुबह कहाँ देख रहा है हमारा घर है जी, वही हमारा घर इधर उस गांव का नाम, उस गांव का नाम क्या है पाकिस्तान है, आप थानू क्या थानू है, फिर माँ बाप ने बोला दिसंबर का पहला तारीख को बेटा तू जाओ, यहाँ भी 4-5 कलर जमीन था जी, वहाँ पूरा जमीन था, फिर पशु लेकर जाओ थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, पाकिस्तान का ज़माने में जो गवर्नमेंट का खाद यूरिया नहीं मिलता था, अपना देसी खाद बनाते, आप जवान हैं आप 19 साल के खाना खुद बनाते, कहो बीवी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए, हाँ बोला मैं आइए जी दिसंबर का पहला तारीख को यहाँ बैठ गई, 10 तारीख को जंग छिड़ गया जी, 17 तारीख को यह इंडिया को ये हो पाकिस्तान को हो गया, माँ बाप जो है पहली बीवी जो है पाकिस्तान में रह गई, मैं अकेला इंडिया में रह गई, तो लेके आया उनको नहीं, नहीं कहा आया तो बताना था मेजर साहब को, मेजर साहब को बताना था हैं, मेजर साहब था जम्मू का उसको बताना था ना, किसी ने नहीं लाया जी, गवर्नमेंट को बताते थक गया, ओ लो नहीं छोड़ रहा है बोल रहा है जी, बाद में पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा ना, इंडिया मिल गया होगा अभी तो, 5 साल तक मैं इंतजार किया मिलेंगे नहीं मिला, फिर यहाँ शादी कर दिया, अभी 6 लड़के 1 लड़की इंडिया में रह गई थंग, फिर हमको जमीन का मिलता इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया, तो बच्चे हो भारत जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अभी आजकल हमको सब कुछ फैसिलिटी दे रहेगी।
अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट कब से आना शुरू हुआ? पिछले साल 14 अगस्त से। पिछले साल 14 अगस्त से आना शुरू हुआ, पहले नहीं आता था? मोदी जी ने किया, मोदी है तो सब कुछ संभव है। तो काफी डेवलपमेंट हो गया होगा यहाँ के गांव में, तो सब लोगों का टूरिस्ट आने से तो काफी फर्क पड़ गया होगा। दांत भी कम है। चलो क्योंकि आप ना पोर्ट नदी के वहाँ पूरा सिविलियन का गार्ड है। चलो दिखाओ यार। फिर आप इधर आ जाना थोड़ा, ये ऑटो में देखो आप। इन भाई साहब के पास एक बायनाकुलर्स है और जो कि वो उस बायनाकुलर्स से हमें ये पूरा व्यू दिखाते हैं और वो दिखाने के हमसे कुछ पैसे लेते हैं। हांग विलेज तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ रिवर है। रिवर के उस तरफ जो है थांग का दूसरा पार्ट है जो पाकिस्तान में है। इन सारे पहाड़ों के ऊपर आर्मी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के कैंप्स हैं और वो लोग हमें देख सकते हैं लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं। सिर्फ एक ऐसा स्पॉट है जहां से हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जो कैंप है हम उसको देख पाते हैं, या यहां से हम लोग बायनाकुलर जो कि उस उनके पास था उससे हम लोग गांव देख पा रहे थे। तो इधर पाकिस्तान का पोस्ट है क्या? इधर पाकिस्तान का पोस्ट है, इधर है। कोई दिखाओ यार। नहीं वहां से नहीं दिखता है, यहां से पाकिस्तान। अब क्या दिखाओ, उधर क्या दिखाओगे? रास्ता दिखाओगे, पोस्ट दिखाओगे? पोस्ट है ना वही टॉप में, आपको काला काला सुबह सुबह दिख रहा है। रास्ता दिख लिया हमने, देख लिया। फिर वो टॉप में देखो जी, आप काला काला सुबह सुबह दिख रहा है, पूरा पाकिस्तान का बंका है। कोई गांव दिखता कुछ? हाँ हाँ, गांव देखेगा ना आप। देखो दिखेगा तो पैसा दूंगा मैं, ठीक है? हांग विलेज देखने के बाद हम लोग वापस लेह की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन जो टाइम से हमें लग रहा है कि हम लोग हांडर पहुंचेंगे और रात को हमें हांडर में ही रुकना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये रास्ते में एक गांव है, चाहे स्कूल में छुट्टी हुई है, बच्चे लोग सब स्कूल से आ रहे हैं। बहुत अच्छा दिखता है ये सब गाँव को देख के, बड़ा मज़ा आता है देख के इनको। और थांगको विलेज को देख के तो रियली बहुत ही मज़ा आया। और अभी रात होने वाली है, हमें सबसे पहले जाके अपना वहाँ पे अंडर में भूख लगी हुई है कुछ खाएंगे और होटल देखेंगे पहले, उसके बाद कुछ खाएंगे और रात हम यहीं रुक के कल हम वापस ले निकलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच for being with us, for watching my videos. Thank you again. Bye-bye.